गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आर टुडेज टॉपिक ऑफ कंबशन एंड फ्लेम ऑफ क्लास 8 साइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज कंबशन एंड देन व्हाट इज फ्लेम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंबशन का मतलब होता है हिंदी में किसी भी चीज़ का जलना। तो हम ये जानते हैं कि कोई भी जब चीज़ जलती है, किसी भी चीज़ में कंबशन होता है, तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। कोई भी चीज़ मोमबत्ती या कोई भी चीज़ जल रही हो, जब कैंडल जल रही होती है, तो अगर वहाँ पर हम उसको टाइटली पैक कर देते हैं और वहाँ पर अगर एयर नहीं पहुँच पाती है, तो जैसे मान लो कि यहाँ पर हम बचपन में पढ़ चुके हैं कि एक कैंडल है, अगर ये जल रही है और अगर हम इसको किसी बीकर से या किसी भी तरीके से अगर इसको कंप्लीट पैक कर दें, तो थोड़ी देर बाद जब इसमें प्रेजेंट सभी ऑक्सीजन, सभी पूरी एयर, जब ऑक्सीजन जल जाएगी, तो क्या होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी। और ऑक्सीजन ख़त्म होने के बाद क्या होगा कि ये जो जल रही है वो ये भी बंद हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी है और ऑक्सीजन के बिना जलना पॉसिबल नहीं है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कंबशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो मैं यहाँ पर कंबशन को डिफाइन करता हूँ। देखो, कंबशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जलने पर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या देता है हमें? हीट एंड लाइट। तो टू गिव ऑफ हीट एंड लाइट, दिस प्रोसेस इज नॉन एज कंबशन। हीट एंड लाइट, दिस प्रोसेस इज नॉन एज कंबशन। ऐसा यहाँ पर तुम लिख सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है और उसको हम कंबशन बोलते हैं। अब हम कंबशन जो ऑब्जेक्ट जलते हैं उनको हम दो टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो होता है कंबस्टिबल सब्सटेंस और दूसरा है इनकंबस्टिबल या नॉन कंबस्टिबल भी बोल सकते हैं उसको अपन। ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस या थिंग्स, कुछ भी बोलो। कंबस्टिबल सब्सटेंस वो होते हैं ऐसे सब्सटेंस जिनको जलाने पर जल जाएं। मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हम बर्न करने की कोशिश करते हैं तो वो बर्न हो जाते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आने के बाद। लेकिन ऐसे सब्सटेंस जो किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी कंडीशन पे जल ही नहीं सकें, ऐसे कंबशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं? जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो पेपर जल सकता है और कोई भी चीज़ जल सकती है। जैसे हम उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रो जल सकता है, सूखी घास, वुड जल सकती है, लकड़ी और बहुत सारी चीज़ें, कपड़े जल सकते हैं, कुछ भी जल सकते हैं। लेकिन नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस जो क्या कर सकते हैं, आग नहीं पकड़ सकते हैं, उनको बोलते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। जैसे मान लो स्टोन, पत्थर कभी नहीं जलता, सैंड, सॉइल, मिट्टी, रेत, वाटर, ये क्या है? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है। और यहाँ पर पेट्रोल, डीजल, वो सब क्या करते हैं? जलते हैं। तो क्या है? कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल सब्सटेंस मतलब ऐसे सब्सटेंस जो जल सकें वो कंबस्टिबल होते हैं, और जो कभी नहीं जल सके, किसी भी कंडीशन में नहीं जल सके, वो क्या हो गए हमारे? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे नेसेसरी कंडीशंस फॉर कंबशन। तो हम स्टार्ट करते हैं नेसेसरी कंडीशन फॉर कंबशन। कंबशन होने के लिए क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं कि कंबशन हो, इसलिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस थे कि इस कंडीशन पे ही कंबशन होगा, अदरवाइज कंबशन
नॉट पॉसिबल। तो अपन देखते हैं हम नेसेसरी कंडीशंस, क्वेश्चन होगा यही हमारा पेपर में, एग्जाम में जब भी होगा। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर कंबशन, फॉर कंबशन अकर्स, कंबशन कंप्लीट होने के लिए, कंबशन टेक्स प्लेस लिखा होता है, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो कंबशन होने के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशन, तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि जो सब्सटेंस को हम जला रहे हैं वो कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए। कंबस्टिबल सब्सटेंस अभी तक हमने देखा, अभी ऐसे सब्सटेंस जो जल सकते हैं उनको हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। तो सब्सटेंस शुड बी, या जिसको भी हम जला रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, शुड बी कंबस्टिबल, कंबस्टिबल होना चाहिए। क्या कंबसन शुड बी कंबस्टिबल, शुड बी नहीं, मस्ट बी लिख लो यहाँ पर, मस्ट बी, मस्ट बी मतलब होना ही चाहिए, शुड मतलब होना चाहिए, होना ही पड़ेगा, कंबस्टिबल सब्सटेंस होना ही पड़ेगा, होना ही चाहिए नहीं, होना ही पड़ेगा। दूसरी बात हम बात करें कि जो कंबशन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, मतलब ये कि एयर प्रेजेंट हो तो एयर में ऑक्सीजन होती है, तो प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। उसके अलावा हम बात करें अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, समझाते हैं, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर पहले लिख लें इसको, मतलब ये कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर टाइम पर या पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जलना स्टार्ट करता है। जैसे मैं बात करूँ आपकी, कि आपने देखे होंगे दिवाली पर फुलझड़ियाँ चलाई होगी, फुलझड़ी को हम जला रहे हैं, गर्म हो रही है, फिर एकदम से वो जब गर्म हो जाती है उसका इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाती है, तो क्या कर देती है, स्टार्ट बर्निंग, जलना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो क्या करती है, उस इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच चुकी है, तो तुम यहाँ पर इग्निशन टेम्परेचर को डिफाइन करो अलग से। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, अ टेम्परेचर एट विच अ ऑब्जेक्ट स्टार्ट बर्निंग, एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, जलना स्टार्ट कर देता है, उस टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। हर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का अपना पर्टिकुलर इग्निशन टेम्परेचर होता है। जैसे पेपर है, पेपर को हमने जलना स्टार्ट किया तो जलना स्टार्ट हो जाता तुरंत, क्योंकि उसका रूम टेम्परेचर ही इग्निशन टेम्परेचर है। और कोई भी चीज़ें होती है तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग टेम्परेचर पर जलना स्टार्ट करती है, मतलब उनका टेम्परेचर क्या होता है, वो अलग अलग होता है। जैसे मान लो कि ये जो सब्सटेंस है इसको हमें यहाँ पर क्या करना है, जलाना है, किसी हम कैंडल से जला रहे हैं तो इसको यहाँ पर जलाना है। तो इसको जलाने के लिए क्या, पहली बात तो ये सब्सटेंस कैसा होना चाहिए, कंबस्टिबल होना चाहिए तो जलेगा, दूसरी बात यहाँ पर एयर प्रेजेंट होनी चाहिए तो ये जलेगा, अदरवाइज नहीं जलेगा, तीसरी बात इसको जब तक गर्म करते जाएं जब तक ना जले, मतलब इसको अटेन करना पड़ेगा क्या, एक इग्निशन टेम्परेचर देना पड़ेगा, जिस टेम्परेचर पे ये जलना स्टार्ट करता है वो टेम्परेचर हमें इसे देना पड़ेगा। तो ये तीन नेसेसरी कंडीशंस हैं किसकी, कंबशन होने के लिए, जलने के लिए। तो इग्निशन टेम्परेचर को समझ गए ना तुम यहाँ पर, क्या अ टेम्परेचर, अ पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग, बर्निंग मतलब जलना ही होता है, बर्न मतलब होता है जलना, कंबशन मतलब होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऐसे जलना, ठीक है ना, बर्निंग और कंबशन दोनों का मतलब जलना ही होता है। अ पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग, एक टेम्परेचर का वो पॉइंट जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जलना स्टार्ट कर देता है वो इग्निशन टेम्परेचर था। तो इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचना चाहिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट कंबस्टिबल होना चाहिए, तो कंबशन कंप्लीट होगा। तो दीज आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर कंबशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम पार्ट फर्स्ट कंप्लीट करते हैं यहीं पर, कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर सिक्स का, और हम इसको बाद में इसका पार्ट टू स्टार्ट करेंगे जिसमें हम कंबशन के बारे में और भी टाइप्स पढ़ेंगे, फ्लेम के वगैरह सब पढ़ेंगे। अभी हमने फ्लेम स्टार्ट नहीं किया है,
ओनली कम्बशन का डिफाइन किया है और नेसेसरी कंडीशन पड़ी है। तो थैंक यू, नेक्स्ट पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।